नमस्ते। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जानवरों की मदद करने के लिए हम उससे भी ज्यादा जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं जाने अनजाने में हम कुछ जानवरों की मदद के कारण उससे ज्यादा जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उनके ऊपर क्रूरता तो नहीं कर रहे। आज भारत में लोग कई तरह के पशुओं को घर में लाकर रखना, उनकी देखभाल करना, कई बार उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना, इसका चलन बढ़ाते जा रहे हैं। लगातार ऐसे लोगों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। तो क्या ये इस बात का इशारा करती है कि भारत में लोगों के अंदर पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं? क्या ये इस बात का इशारा करता है, या कहीं हकीकत इसके विपरीत है? आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पेट्स के रूप में भारत में प्रमुख रूप से लोग कुत्तों को और बिल्लियों को रखते हैं। अगर अनुमान के हिसाब से बताया जाए तो भारत में पेट पॉपुलेशन इस समय करीब 4 करोड़ है। इसमें से करीब 91.8% की पॉपुलेशन डॉग्स की है और करीब 7% पॉपुलेशन कैट्स की है। मतलब लगभग 99% पॉपुलेशन पेट्स में कुत्तों और बिल्लियों की है। तो लगातार भारत में कुत्तों को बिल्लियों को पालने का, घर में लाकर उनकी देखभाल करने का चलन बढ़ता जा रहा है। तो पिछले दशक में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन के सोर्स बढ़े, ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज बढ़ गई और इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां भी आ गई, तो लगातार ऐसे पेट फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी। इस समय सन 2024 में भारत में पेट फूड का जो इंडस्ट्री है उसका एनुअल वैल्यू जो है वो करीब 7,000 करोड़ रुपए का है, और एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में सन 2029 तक ये दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्री जो है वो बन जाएगा। इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जो वार्षिक वृद्धि दर है, वो करीब 17% बताई जा रही है। तो भारत में जो पेट फूड इंडस्ट्री है ये बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसमें लगातार नई नई कंपनीज आती जा रही हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो इस समय सन 2024 में एनुअली जो प्रोडक्शन है पेट फूड का वो करीब 50 करोड़ किलोग्राम है और ये 2028 तक बढ़कर करीब 70 करोड़ किलोग्राम हो जाएगा। तो लगातार पेट फूड की मांग जो है वो भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे लोगों में कुत्तों को बिल्लियों का पालने का चलन और बढ़ता जा रहा है, या फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, लोग अपने पेट्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने में सक्षम हो रहे हैं, वैसे वैसे इस पेट फूड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब ये जो पेट फूड इंडस्ट्री है, खासकर कुत्तों का और बिल्लियों का जो पेट फूड है, ये बनता किस चीज़ से है? प्रमुख रूप से ये बनाया जाता है मांस और मांस के बाई प्रोडक्ट्स है। इस समय करीब 50 करोड़ किलोग्राम पेट फूड का प्रोडक्शन एनुअली भारत में किया जा रहा है, और इसके लिए जितनी हमारे पास पेट पॉपुलेशन भारत में है उससे कहीं ज्यादा जानवर हर साल मारे जा रहे हैं इस पेट फूड को बनाने के लिए। मान लीजिए हमने कुत्ते को अडॉप्ट करके हम घर पे लाए और हम उसको मार्केट में बिकने वाला कोई पेट फूड खिलाते हैं, वो पेट फूड बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है, तो वो पेट जब तक हमारे पास है अगले 5 साल 10 साल, तब तक हम उसको उससे सैकड़ों गुना ज्यादा जानवरों को मारकर खिला चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इस तरह से, तो हम कुछ जानवरों की मदद करने के लिए उससे भी ज्यादा जानवरों का भयानक शोषण और उनकी हत्या करवा रहे हैं। ये जो जानवर मारे जा रहे हैं पेट फूड बनाने के लिए, इन जानवरों को जबरदस्ती पैदा करवा के पूरे जीवन नर्क जैसी दशा में रखा जाता है, पूरे जीवन इनका शोषण किया जाता है और बाद में दर्दनाक तरीके से इनको मार दिया जाता है। एक जानवर का पेट भरने के लिए हम सैकड़ों जानवर मार दे रहे हैं, ये क्या यही हमारा पशु प्रेम है?
क्या इसी तरीके से हम एनिमल लवर खुद को कहेंगे? ये तो गलत बात है। हमें आज इस बात को एक बार समझने की आवश्यकता है कि क्या वो जानवर जो हमारे पेट को फीड करने के लिए मारे जा रहे हैं, क्या वो जानवर नहीं है? क्या वो हमारी कुत्ते की तरह ही, हमारी बिल्ली की तरह ही, क्या वो संवेदनशील नहीं है, प्लेफुल नहीं है? क्या वो जीना नहीं चाहते हैं? क्या उनको जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारे कुत्ते को चोट लग जाती है तो हम बड़े दुखी होते हैं, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। वहीं पर उसके लिए सैकड़ों ऐसे जानवर जिनका हाल कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर इतनी क्रूरता और अंत में उनकी हत्या की जा रही है। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आज हमें इस बारे में समझना बहुत जरूरी है। जंगल में भी बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी प्रकृति मांसाहारी जानवर की है, जो शिकारी जानवर है। लेकिन शेर जब एक हिरण को दौड़ाता है तो हिरण के पास काफी मौका होता है कि वो बच के निकल जाएगा, और फिर भी हिरण पूरे जीवन स्वतंत्रता के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है और प्राकृतिक रूप से बिना किसी भय के अपना पूरा जीवन बिताता है। शेर का जब पेट भरा होता है तो एक ही घाट पर शेर और हिरण दोनों पानी पीते हैं। लेकिन अपने इन ओमनीवोर और कार्निवोर एनिमल्स को खिलाने के लिए हम जिन जानवरों को मरवा रहे हैं, उनके पास बचने का कोई मौका नहीं है। पूरा जीवन तो उनका नर्क बन चुका है, पूरे जीवन उनका शोषण होता है और बाद में उनकी दर्दनाक हत्या होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तो नेचुरली जो है वो ओमनीवोर और कार्निवोर एनिमल है, हम उनको मांस नहीं खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? तो फिर हम इन जानवरों को खिलाएं क्या? इन कुत्तों बिल्लियों को हम खिलाएं क्या? तो सबसे पहले कुत्तों और बिल्लियों को खिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको समझना जरूरी है। आज बड़े बड़े शहरों में कचरा प्रबंधन के नाम पर, शहरों को साफ सुथरा करने के नाम पर कूड़े को हटा दिया गया, वो कूड़ा जिसमें से बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स को खाना मिल जाता था, जीव जंतु भी शहरों से लगभग गायब हो गए। तो बड़े ऐसे शहरों में ऐसी मुश्किलें जरूर आती हैं वहां पर रहने वाले जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके सामने, कि उनको अपना खाना नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई बार वो भूखे रहते हैं या कई बार वो कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में उन जानवरों की हमें मदद करने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन अगर उस सड़क के जानवर को भी हम अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं तो एक तरीके से ये उसे विकलांग करने के बराबर है। अगर हम सुबह शाम उसको खाना खिलाए जा रहे हैं, उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं वो खुद अपना खाना ढूंढे, तो उसकी आदत ही खत्म हो जाती है। कई बार बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं बड़ी तादाद में बिल्लियां घरों के किनारे दिन भर आराम करती हैं, सुबह शाम उनको लाकर खाना दे दिया जाता है। बिल्लियां एक कार्निवोर एनिमल है, वो एक हंटर है, उनके अंदर अपना शिकार करने की, अपना खाना ढूंढने की प्राकृतिक क्षमता होती है। और बिल्लियां जो है वो कुत्तों की तरह पूरी तरह से इंसानों पर डिपेंड भी नहीं होती हैं। अगर वो स्ट्रीट में रह रही हैं, वो पेड़ों पर चढ़ लेती हैं, घरों पर चढ़ लेती हैं, चूहों को और दूसरे रोडेंट्स का वो शिकार भी कर लेती हैं। अगर वो आजादी के साथ अपनी प्राकृतिक आदतों को बिना भुलाए हुए रहें तो हमें उनको अपने ऊपर डिपेंड करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। बिल्ली अपना अधिकांश भोजन स्वयं प्राप्त कर लें, लेकिन हम जबरदस्ती उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, उनको विकलांग बना देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो वो तो भूखों मर जाएंगी। और दूसरा, अगर हम बिल्ली को लाकर घर में रख रहे हैं तो फिर हम वही काम करते हैं, उनको हम पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई ये कार्निवोर एनिमल है और हम इसको लाकर जानवर खिलाएंगे। बात रही कुत्ते की, कुत्ता एक ओमनीवोर एनिमल है, वो मांस भी खा सकता है, वो सब्जियां भी खा सकता है, वो अनाज भी खा सकता है। कुत्ता भी जो सड़क पर रह रहा है, हालांकि रोज उसे नहीं, लेकिन कभी कभार वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मरे जानवर भी पा जाता है, और कुछ ना कुछ वो ऐसा एनिमल वाला जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से पा जाता है और कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद भी अगर वो कभी भूखा रहता है तो ओकेजनली हम उससे पौध आधारित भोजन जो है वो फीड कर सकते हैं, हम उसे रोटी फीड कर सकते हैं,
हम उसे चावल फीड कर सकते हैं, हम ऐसी चीजें फीड कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे जानवर को नुकसान ना पहुंचाया गया हो, दूसरे जानवर को ना मारा गया हो। पूरी तरह से अगर हम उस जानवर को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट करते हैं तब कहीं जाकर कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आज जरूरी यह है कि पहली बात, हम स्वस्थ जानवरों को घर के अंदर लेकर ना आए। तो अगर हमारे घर पे कोई पेट आ भी गया है या फिर हमने किसी पेट को किसी डिस्ट्रेस में देखा और हमने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो फिर हम उसको कैसा भोजन दें, कैसे हम उसके लिए खाना बनाएं या कहां से खाना प्राप्त कर लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे तमाम लिंक्स मिल जाएंगी जहां पर आप वीगन पेट फूड कैसे बनाया जाए या फिर मार्केट में हम वीगन पेट फूड कैसे ऑर्डर करें, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। ये बहुत ही आसान है, कुछ तरह की दालें, चावल, अलग अलग तरह की सब्जियां, फल, कुछ तरह के जो ऑयल है जैसे कोकोनट ऑयल, इन सब का मिक्सचर जो है वो करके हम जानवरों को ऐसा पेट फूड दे सकते हैं जो वो बड़े चाव से खाएंगे भी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जब हम जानवरों को उनके खाने में ज़्यादा सब्जियां, फल आदि देते हैं तो फिर उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उनके शरीर में जो तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म होती है और वो ज़्यादा हेल्दी जीवन जी पाते हैं। तो वीगन डाइट देना पेट्स को जो है वो आसानी से किया जा सकता है, और कुत्ते जो हैं वो चूंकि नेचुरली ओमनिवोर होते हैं तो उनको आसानी से वीगन डाइट पर रखा जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि उनको सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिले, और वो उसके लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट देनी होती है। सिर्फ एक तरह का अनाज नहीं, सिर्फ एक तरह की चीज़ नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों का अगर हम मिक्सचर देते हैं तो उससे उनकी सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स को ज़रूर देखें। तो आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और धन्यवाद भी मैं दूंगा नहीं, धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें।